कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं। ये देखिए, हम ग्रीन कलर की साड़ी पहने हैं और हम जा रहे हैं अपने भाभी की गोद भराई करने। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे, आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो हम आपको वहाँ का पूरा अरेंजमेंट दिखाएंगे कि हमने कैसे गोद भराई की। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। ये देखिए हम कैसे लग रहे हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं। देखिए बच्चे बड़े खुश हैं कि आज वो लोग दावत में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, जिस वजह से बच्चे बहुत खुश हैं। तो हम लोग चल दिए हैं। आज का मौसम बहुत सुहाना है फ्रेंड, थोड़ा सा कहीं कहीं पे बूंदे पड़ी हैं और कहीं कहीं पर तेज बारिश हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हैं और देखिए कितना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अभी हम लोग ट्रैफिक से धीरे धीरे से निकलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हुई थी, तो बारिश की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। आज सुबह सुबह थोड़ा सा पानी भी गिरा है, आप लोग देख रहे होंगे रोड पे पानी भी भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं कहीं पर पानी आज बरसा है, तो यहाँ भी बारिश हुई है। तो आप लोग देखिए कितना सारा यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, थोड़ा सा निकलने में हमें दिक्कत हो रही है ट्रैफिक की वजह से। जब ट्रैफिक ख़त्म होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है मौसम, कहीं कहीं पे बारिश हुई है इसलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये हम लोग ट्रैफिक से बाहर आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं और पहुंचने वाले हैं फ्रेंड। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, पहुंच गए हैं और ये सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, सब लोग आ गए हैं। तो ये सभी लोग हैं, जितने लोग हमारे साथ आए हुए हैं हम सब लोग हैं और नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, देखिए पीछे खड़े हुए हैं, इन्हीं की एंगेजमेंट है, तो हम सब लोग इन्हीं की एंगेजमेंट में आए हुए हैं। बच्चे बड़े सभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में सबने खाई है पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, टिक्की और नमकीन, बिस्किट, बहुत सारा नाश्ता किया है, पन्ना, सिकंजी, चिली पनीर, मैक्रोनी, सभी लोग अच्छे से अपने अपने मन का नाश्ता कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि सभी लोग बैठे हुए हैं चेयर पे, बच्चे भी बैठे हैं और सभी अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो ये देखिए प्लेटों में सभी चीज़ें रखी हुई हैं और जिसका जो मन आ रहा है वो अपना नाश्ता कर रहा है। सभी लोगों ने खूब अच्छे से नाश्ता किया है, अच्छे से स्वागत हुआ है सबका। और अब हम लोग आ गए हैं रूम में, तो रूम में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी तो इसलिए हमने सारी आवाज़ बंद कर दी है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, पंखे चल रहे थे, बड़े बड़े कूलर भी चल रहे थे, तो कमरे में बहुत ज़्यादा आवाज़ थी।
तो ये सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं और अभी गोद भराई की रस्म शुरू नहीं हुई है, तो सब लोग बैठे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही रस्म शुरू होगी सब लोग अपना अपना काम करेंगे। तो ये सारे फ्रूट हैं जो हम लोग लेके आए हैं वहाँ से, जो हमारे तरफ से आया है लड़के की तरफ से। तो ये सारे फ्रूट हैं, आप सब लोग देखिए, हम आपको पूरा दिखाएंगे। वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा फ्रेंड, हम आपको पूरी गोद भराई की रस्म दिखाएंगे, इंगेजमेंट की रस्म दिखाएंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लेके गए हैं। बहुत सारे फ्रूट हम लाए हुए हैं, ये सारी साड़ियाँ हैं जो गई हैं यहाँ से, 7 साड़ियाँ हैं। ये गोल्ड गोल्ड की झुमकी हैं कान के लिए, झुमके और रिंग है, पायल है पैरों की। तो ये सारी चीज़ें इधर से गई हैं लड़के की तरफ से, तो ये सब हम लोग लेके गए हैं। ये अंगूठी है, फ्रूट में हम लोग सेब, केला, संतरा, अंगूर, अनानास सब कुछ ले गए हैं। तो ये हम थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं, अभी इंगेजमेंट पार्टी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, अंगूर लटक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अंगूर अभी थोड़ा कच्चे हैं, अभी ये पके नहीं हैं, तो खाने में खट्टे हैं। तो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, ये प्लांट है अंगूर का जो वहाँ हमारी भाभी के घर के बाहर लगा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा है। तो सभी लोग छज्जे पे खड़े हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, और ये सब लोग बाहर बैठे हैं, ये सब घर के बाहर बैठे हुए हैं। जो मेहमान आए हैं जेंट्स हैं जो, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं, लेडीज सारी अंदर अपना काम कर रही हैं। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा है, ये हम छत से शूट कर रहे हैं, छत पे हम खड़े हुए हैं और छत से ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे खड़े हुए हैं, सब बच्चों को भी टहलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, बच्चे रो रहे हैं, तो बच्चों को बाहर घुमाया जा रहा है। तो सब लोग बाहर छज्जे पे खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, और यहीं हम बाहर से ही आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अंदर, क्योंकि गोद भराई की रस्म शुरू होने जा रही है। तो ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं, और ये भाभी हमारी नई नवेली भाभी हैं, ब्यूटीफुल। तो देखिए गोद भराई की रस्म शुरू होने जा रही है। गोद भराई की रस्म हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होती है कि जो घर में अब ये ननद हैं, तो ये छोटी जो ननद होंगी वो सबसे पहले पोछा डालेंगी, या तो सबसे बड़ी घर में जो होंगी लेडीज़ सुहागन है तो सबसे पहला पोछा वो डालेंगी। तो ये जो बगल में बैठी हुई हैं, ये छोटी नंद हैं, तो ये आएंगी, ये सबसे पहले पोछा डालेंगी भाभी की के आंचल में, रोली का टीका लगाएंगी, रोली अक्षत का टीका लगाकर ये देखिए पोछा डाल रही हैं। उसके बाद ये दादी हमारी आई हैं, ये सबसे बड़ी हैं परिवार में, तो ये सबसे पहले पोछा डाल रही हैं, और एक एक करके सभी लोग इसी तरह से आते रहेंगे, आंचल भरते रहेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे नई बहू को। तो सब लोग आते जा रहे हैं और अपना आशीर्वाद बहू को देते जा रहे हैं। जो भी ज्वेलरी आई थी, जो हम लोग लेके आए थे कान की रिंग, तो वो सब कुछ पहना दिया गया है। अभी रिंग नहीं पहनाई गई है, तो रिंग
तो लड़का पहनाएगा, तो रिंग अभी नहीं पहनाई गई है, तो वो अभी रस्म बाकी है, वो भी बाद में होगी। पहले गोद भराई की रस्म की जाएगी। ये हमारी चाची हैं अपनी बहू की आंचल में कोंछा दे रही हैं, अपना आशीर्वाद देंगी, रोली अच्छत लगाएंगी, अभी बहू का टीका करेंगी। तो इन्होंने टीका लगा दिया है। तो इसी तरह से सभी लोग इस रस्म को करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, बहू का मुंह भी मीठा कराया जाएगा साथ में। तो एक एक करके सभी लोग आते जाएंगे और इस रस्म को पूरा करेंगे। जो भी लेडीज़ इधर से गई हैं सभी लोग ये रस्म करेंगी। कुछ पैसे फ्रूट आंचल में डालेंगी और बहू को अपना अपना सभी लोग आशीर्वाद भी देंगी। तो ये शादी की सबसे पहली रस्म होती है और बहुत अच्छी रस्म होती है। ये चाचा की बड़ी बिटिया हैं जो कोछा भर रही हैं भाभी का, तो इन्होंने भी टीका लगा दिया है। और ये अब फ्रूट भाभी के आंचल में देंगी और अपना आशीर्वाद देंगी। ये मुझे रस्म सबसे अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है इस रस्म को करना। तो ढेर सारी औरतें आई हुई हैं, लगभग 30-35 लेडीज़ हैं जो कि आई हैं, और सभी कोछा भरेंगी और सभी अपना अपना आशीर्वाद भी नववधू को देंगी। तो आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खींचेगी, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। हम सभी लेडीज़ों को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सबका वीडियो बनाएंगे तो वीडियो हमारी 1-1.5 घंटे की जाएगी। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहे हैं आपको कि ये रस्म कैसे होती है, हम सिर्फ यही आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड, अभी हम आपको एंगेजमेंट की पूरा दिखाएंगे। एंगेजमेंट की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ अंगूठी कैसे पहनाई जाती है, लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे अंगूठी पहनाते हैं। तो अंगूठी पहनाने की रस्म भी पूरी हो चुकी है और सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो हम थोड़ा लेट निकले हैं, तो वीडियो हम थोड़ा देर से बना रहे हैं। तो देखिए सब लोग खाना भी खा चुके हैं इधर, और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं, सभी लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सबको मिल रहा है गिफ्ट, यहाँ पे सबको पैसे भी मिल रहे हैं। जो लोग आए थे उन सबको पैसे और गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये रस्म है हमारे यहाँ की। ये पहनोई थे हमारे, ये थोड़ा ज़्यादा मजाक करते हैं, सबको हंसाते रहते हैं और ख़ुद भी हंसते रहते हैं। फ्रेंड देखिए हमारे यहाँ ये गिफ्ट देने का रिवाज है। जब भी गोद भराई करने जाया जाता है तो वापसी आने पर लड़की वाले
सभी लड़के वालों को गिफ्ट देते हैं। तो ये रस्म भी इन लोगों ने पूरी कर दी है और सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ।